उधमपुर को अव्वल नंबर का दर्जा प्राप्त हुआ है PMGSY के सड़कों के निर्माण में। इसके अतिरिक्त हमारा मानतलाई का वेलनेस सेंटर स्टेट ऑफ द आर्ट तैयार हो चुका है। 35 बरस के बाद जो एक विरासत स्वर्गीय धीरेन्द्र ब्रह्मचारी छोड़ गए थे, इतनी सरकारें आई गईं और जो कांग्रेस की सरकारों को करना चाहिए था उसकी भरपाई मोदी जी के होते हुई है। एक वेलनेस सेंटर वहाँ तैयार हो चुका है। इसी प्रकार इसी ज़िले में मानसर रिलीजियस टूरिज्म सर्किट में शामिल कर दिया गया, बहुत जल्द उसको स्वदेशी जो हमारी योजना है उसके अंतर्गत भी उसको विकसित करने का कार्य शुरू हो जाएगा। हमने आज एक नई पद्धति प्रारंभ करने का भी प्रयास किया है कि ज़िला स्तर की बैठकों को ज़िला हेडक्वार्टर में ना करके ब्लॉक स्तर पर किया जाए, और उसी क्रम में आज रामनगर ब्लॉक में ज़िला के सभी अधिकारियों को लेकर के जनप्रतिनिधियों को लेकर के एक प्रकार के जनता दरबार का आयोजन किया गया, और इससे यहाँ के जनप्रतिनिधि और आम लोगों को भी एक बड़ा संतोष का अनुभव हुआ। उनको ये एक 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 विचित्र किस्म का उनको एक अनुभव हुआ कि उनके बीच सारे ज़िले के अधिकारी उपस्थित हैं उनकी बात सुनने के लिए, उनकी शंकाएं दूर करने के लिए। और पहली बार मुझे लग रहा है कि कई बरसों के बाद पिछले 8-9 साल में मोदी जी ने जब इस देश की कमान संभाली, इस देश का जब से उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपना दायित्व संभाला है, ये जो पहाड़ी क्षेत्र हैं दूर दराज के, इनको प्राथमिकता दी गई है। और साथ ही साथ जो अक्सर पहले शिकायत रहा करती थी कि राशि के वितरण में असंतुलन रहता था, वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल फंड्स पहली बार होने लगा है। और आपने देखा कि बहुत तीव्र गति से यहाँ पर निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो रहे हैं। और जहाँ तक उधमपुर शहर का संबंध है, मुझे ये खुशी है ये बात साझा करते हुए कि हमारा देविका का प्रोजेक्ट अब आखिरकार मुकम्मल हो चुका है पूरी तरह से। उसमें कुछ विलंब आ गया था, कुछ कोविड के कारण, फिर कुछ और तकनीकी कारणों से, लेकिन वो भी अपनी तरह का एक पहला उत्तर भारत का इस प्रकार का प्रोजेक्ट रहेगा नदी के सुंदरीकरण का, क्योंकि देविका नदी हमारे लिए आस्था का भी विषय है और हमारे लिए स्वच्छता का भी एक चुनौती थी। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इतिहासकार इस बात पर भी विश्लेषण करेंगे कि यही देविका, यही हमारे लिए आस्था का स्थान, कितनी पीढ़ियाँ इसके किनारे पली बढ़ी, परवान चढ़ गईं, लेकिन किसी ने इसकी चिंता नहीं की। तो ये मोदी जी के हाथों से ही देविका का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। जब वो 2019 में जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए थे तो वर्चुअल लॉन्चिंग उनसे जम्मू से करवाई गई थी, और मुझे इस बात की तसल्ली है कि उनके हाथों से लॉन्च किया हुआ ये प्रोजेक्ट उन्हीं के कार्यकाल में